पे क्या कर रहा है? ड्यूटी का तो टाइम ही हो गया पूरा। अबे सुन, ये हरा कलर निकालना, किसको बनाएगा? अबे यार, ये फोन चैन नहीं लगने देता एक तो। हाँ अच्छा चल ठीक है। हाँ हाँ, आज के बाद ना यहाँ मैं आने नहीं वाली। तू लगाता है 10 घंटा और मेरे पास में नहीं है उतने घंटा। चल निकल। अरे मैडम, आप रोज ऐसे करवा जाती हो। अबे रोज रोज का भाई, मैं तेरी दुकान पे आज पहली बार आई हूँ। एक दिन में 2 बार आई हूँ यहाँ पे, और दोनों बार ना तू अच्छी सर्विस नहीं दे पाया पुलिस को। ऊपर से जुबान चला रहा है। अरे अरे अरे, 1 मिनट मैडम, इतनी जल्दी क्या है, आराम से चले जाना। पागल वागल है क्या? तूने हाथ कैसे लगाया? और दिख रहा है जब पुलिस वाली निकल के जा रही है तो पीछे क्यों खड़ा है? चला साइड में, चल जाने दे। तब तुम मेरी दुकान से चोरी कर सकती हो, तो मैं हाथ नहीं लगा सकता, मैं रोक नहीं सकता तुम्हें। चोरी? पागल वागल, मैं क्यों चोरी करूंगी भाई? मुझे अच्छी सैलरी मिलती है ऊपर से, और मुझे तो कोई कपड़ा पसंद नहीं आया यहाँ पे, मैं जा रही हूँ। ऐसा है, ये एक्टिंग ना अब मत करो। तुम्हारी सच्चाई पूरी पता है मेरे को कि तुम यहाँ पर क्यों आती हो और क्या करने आती हो। यहाँ कपड़े चोरी करने आती हो तुम? फालतू की देख बातें मत कर, तो ऐसा कान के नीचे बजाऊंगी ना, 4 दिन तक ना गाने बजते रहेंगे कान में। चला रहे यहाँ से। ये बकवास ना मुझे करने की कोई जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर में ना पुलिस आ रही है, वो तुम्हें बताएगी अच्छे से। पुलिस? अबे कितनी पुलिस बुलाएगा, यहाँ पे खुद पुलिस खड़ी है। 3 स्टार दिख नहीं रहेगा तेरे को? 3 स्टार वो अब तुम जेल में जाओगी ना तब पता लगेगा। अगर पुलिस भी कानून तोड़ती है ना, तो पुलिस के लिए भी कानून बना हुआ है। ये मत समझो मैडम कि तुम बच जाओगी। और इस थैले में क्या रखा है तुमने? कुछ नहीं है, मेरा सामान है पर्सनल। जब पर्सनल? अरे सर आप आ गए। सर ये मैडम ना हमारी दुकान से चोरी करती हैं। मिस मेघा शर्मा है। मिस मेघा शर्मा? हाँ मैडम, कौन से थाने से हो तुम? सर मैं तो कबल नगर थाने से हूँ सर। और सर देखो ना, ये कैसी बातें कर रहा है, हमारे डिपार्टमेंट का नाम खराब कर रहा है। इन जैसे घटिया लोग ही होते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट के ऊपर ना उंगलियां उठाते हैं। सर मैं जाती हूँ। इसमें क्या है? अरे सर वो मेरे घर का कचरा है, मैं मार्केट ही जा रही थी तो सोचा मैंने कि मैं इसे फेंक दूंगी बगल में। कचरा है इसमें, दिखाना। सर क्या करोगे, बदबू हो जाएगी पूरी दुकान में। चुप, दिखा इसको। सर ये नहीं दिखाएंगी, मैं ही दिखा देता हूँ इसमें क्या है। पढ़ाओ। ये देखिए सर, तो ये था इनका कचरा। क्यों, कहाँ से आया तू? इसके अंदर कौन है? हाँ बोलेगा। हेलो मैडम, उसे ना मारने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी जाएगा जेल तुम्हारे साथ में। कोई गलत तुम दोनों हो। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम एक पुलिस इंस्पेक्टर हो के इतना घिनौना काम करती हो। मैंने कुछ किया ही नहीं है, ये पता नहीं कहाँ से आके बैठ गया और ये चोरियां कर रहा है। मैं तो कचरा लेके आई थी घर से इसके अंदर। ये कोई असली पुलिस नहीं है, ये नकली पुलिस है। और ये बोल रही थी ना कि कमलनगर थाने से हूँ, वहाँ का इंचार्ज मैं हूँ। ये बता ये नकली ड्रेस कहाँ से आई तेरे पास? सर मैं सच बताऊंगी तो मुझे छोड़ दोगे ना? सर इसका ना बिजनेस है लॉन्ड्री का, तो ये इसके पास में ना पुलिस की वर्दी आती थी धुलने के लिए, तो इसी ने कहा था कि पहन के ना दुकानों पे चलते हैं लूटने के लिए। सर यही है सर कहना। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, पुलिस की वर्दी को इस तरीके से इस्तेमाल करती हो गैर तरीके से। अरे अपना नहीं तो कम से कम पुलिस की तो रेस्पेक्ट कर लेते भैया। यही है ये। चुप, अब तुम ये सोच रही होंगी कि मुझे कैसे पता कि तुम मेरी दुकान में चोरियां कर रहे हो। बता देता हूँ। क्या कर रहा है यार? हाँ और वो जीन्स कितने की है सामने वाली? 750। हाँ तो निकालना फिर। अबे जल्दी कर। जी मैडम, जी मैडम। हाँ शैलेंद्र बोल। अरे अरे रोक के मत साले को, अभी आई हूँ, रख ले इसे, चल बाद में आऊंगी मैं। पर मैडम आपने। अरे क्या पागल है, ड्यूटी पे नहीं जाऊँ मैं? मैडम मैडम रोक के रख इसे, चल शाम को आती हूँ ना मैं। लखन तेरा ध्यान किधर रहता है भाई? क्या हुआ भैया? क्या हो गया? जो पुलिस वाली आई थी ना अभी, वो चोरी करके गई हमारी दुकान से। अरे भैया कैसी बात कर रहे हो, वो तो पुलिस वाली थी ना। पुलिस वाली थी, ये मुझे नहीं पता कि वो क्या थी, पर इतना मुझे पता है कि वो हमारी दुकान से ना चोरी करके गई थी। तब तू यहाँ पे कपड़े दिखा रहा था ना, उसने तेरा जानबूझ के माइंड डाइवर्ट किया था ताकि तेरा ध्यान उसके ओर ना जाए। पता है वो क्या कर रही थी? यहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ था उसके बोरे में, वो अपने कपड़ों को उसको दे रही थी। एक बोरा लेके आई थी ना वो। हाँ भैया,
उसी में चोरी करके ले गई है। और पता है मेरे को कैसे पता लगा? यहाँ जो दुकान में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं ना, अच्छा हुआ मैंने लगवा लिए। घर बैठा हुआ था मैं, अचानक से मैंने देख लिया। तुझे भी दिखाता हूँ, ये देख सर, इन दोनों को ना कड़ी से कड़ी सजा देना, बहुत बड़ा अपराध किया है। ले जाइए सर इन्हें। आप टेंशन मत लो, इन लोगों की खातिरदारी मैं करूंगा। चलो।